हेलो एवरी वन लेट स्टार्ट विद अनदर वन अनदर क्वेश्चन सो दिस इज फ्राम कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो वी हैव ए एस कॉस थीटा प्लस आई ओटा साइन थीटा नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन प्लस ए ओवर वन माइनस ए तो हम क्या करेंगे ए की वैल्यू को वन प्लस ए और वन माइनस ए में पुट करेंगे सो इट विल बी वन प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ओवर वन माइनस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो व्हाट यू नीड टू डू इज आप इसका राशनलाइज करो राशनलाइज कैसे होगा आपको सेम टर्म्स लेनी है नीचे वाली लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ तो यहाँ पे ऑपोजिट साइन किसका होगा आयोटा वाले का जो इमेजनरी नंबर है उसका साइन चेंज करेंगे कॉस थीटा का साइन गलती से भी मत चेंज कर देना सो दिस विल बी वन माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा देन वी हैव वन माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अब आप ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं इसको हम ए मान लेते हैं और इस टर्म को हम बी मान लेते हैं बट यू कैन सी कि यहाँ पे हमारी जो टर्म्स हैं वो सेम नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हम इसको a प्लस बी की फॉर्म नहीं ले सकते क्योंकि दे हैव डिफरेंट टर्म्स तो आपको डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो अब हम वन को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ईच टर्म के साथ सो वन so, को वन के साथ करोगे तो वन वन को कॉस थीडा के साथ करोगे तो दिस विल बी माइनस कॉस थीडा वन को आयोटा साइन थीटा के साथ करोगे तो आयोटा साइन थीटा ओनली देन वी हैव कॉस थीटा को तीनों के साथ मल्टी मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वैल्यू विल बी कॉस थीटा सेकेंड वैल्यू विल बी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देन वी हैव द लास्ट वन आज आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा अब हमें आयोटा साइन थीटा को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है यू विल हैव आयोटा साइन थीटा देन यू विल हैव आयोटा साइन थीटा कॉस् थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा देन द लास्ट वैल्यू विल बी आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब देखो आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा की दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे और ऑपोजिट साइन में तो कैंसिल हो जाएगी अब आपके पास और कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है या नहीं ये देखना पड़ेगा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया बिकॉज दे हैव अगेन ऑपोजिट साइन अब हमारे पास दिख रहा है आई साइन थीटा और आई साइन थीटा और एक और चीज़ बची है हमारे पास दैट इज माइनस स्क्वायर थीटा एंड आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो ये भी सिम्प्लीफाई हो जाएगा आई विल सिंप्लीफाई दिस यूजिंग आइडेंटिटी दिस इज माइनस कॉ स्क्वायर थीटा एंड दिस इज आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे माइनस वन से सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आप यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लोगे सबसे पहले तो माइनस कॉमन लो आपके पास बचा है कॉ स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्यों बचा है, है हमारे पास क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया अब माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी लग सकती है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वन आ जाएगा यहाँ पे और ये तो वन हो जाएगा और वन से हमारा वन कैंसिल हो जाएगा बिकॉज वी हैव माइनस वन है तो माइनस वन पॉजिटिव वन से कैंसिल हो गया अब ऊपर वाली वैल्यू हमारी बची है दिस इज सॉरी पॉजिटिव आई साइन थीटा यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव है सो so, ऊपर तो पॉजिटिव आयोटा साइन थीटा बचे एक और एक और पॉजिटिव आई साइन थीटा बचे नाउ आई विल सिंपलीफाई द डिनोमिनेटर पार्ट तो डिनोमिनेटर पार्ट में अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि देखो ए की वैल्यू पूरी ए की वैल्यू जो रियल नंबर है हमारा वो सेम है

सो वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस थीटा माइनस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर विच इज माइनस वन तो ये प्लस वन हो गया और यहाँ पे आ गया आपका साइंस स्क्वायर थीटा सो अब हमें देख सकते हो यहाँ पे एक और बात आ रही है कॉस स्क्वायर थीटा और साइंस स्क्वायर थीटा अगेन यहाँ पे आ गए सो so ये क्या बनाएंगे हमारा वन बनाएंगे तो वन प्लस वन कितना हो गया टू बचा क्या नीचे टू माइनस टू कॉस थीटा ऊपर हमारे पास टू आयोटा साइन थीटा है अब आप क्या करोगे टू नीचे से कॉमन लो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करेंगे सो वी हैव वन माइनस कॉस थीटा एट द बॉटम अब यहाँ पे आप देख सकते हो टू से टू कैंसिल हो गया अब ऊपर हमारे पास बचा है आयोटा साइन थीटा एंड वन माइनस कॉस थीटा अब आप क्या कर सकते हो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है वी ऑल नो कि वी कैन राइट इट इन द टर्म्स ऑफ हाफ एंगल हाफ एंगल के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं आयोटा तो एज इट इज रहेगा और आपके पास आएगा टू साइन थीटा ओवर टू देन वी हैव कॉस थीटा ओवर टू और वन माइनस कॉस थीटा को कैसे लिखते हैं वी कैन राइट इट एज टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू अब टू से टू कैंसिल हो गया साइन थीटा टू से एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी अब कॉस थीटा टू ओवर साइन थीटा टू बचा है. तो आपके पास बचा क्या आयोटा कॉट थीटा टू क्योंकि कॉस ओवर साइन क्या होता है अगर उनके सेम वैल्यूज होती हैं एंगल की तो कॉट थीटा ओवर टू तो आपकी वैल्यू की वैल्यू क्या आ रही है आयोटा कॉट थीटा for 1 plus a over 1 minus a so this is how you need to solve these types of questions thank you for watching have a great day